हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नासर नेचर। मेरे चैनल में को स्वागत है। मेरा नाम है नासर। और दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ 10वीं 12वीं के टाइम टेबल के बारे में। दोनों भी टाइम टेबल मेरे पास में आ चुके हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के। तो चलिए हम देखते हैं। पहले तो हम 10वीं का टाइम टेबल देखेंगे। ये 10वीं का टाइम टेबल है, आप इस पर नाम देख सकते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन टाइम टेबल फॉर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 10 मार्च 2020। तो और एक बात, आप इसको पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा इसका पीडीएफ का लिंक, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और आप अपना पेपर निकाल सकते हैं। इसमें मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी पेपर दिए हुए और 12वीं, ठीक है। अभी और 12वीं को जो 12वीं का भी टाइम टेबल है उसका अलग पीडीएफ है, और ये 10 का क्लास का अलग पीडीएफ है। दोनों भी पीडीएफ में डाल दूंगा। और 12वीं का जो है उसमें भी मराठी मीडिया, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का भी अलग अलग पेपर सभी है। तो आप अपना मीडियम देख के, अपना आपका सब्जेक्ट देख के आप अपने पेपर लिख लेना। तो नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। इसके 6 पेजे 10वीं के और 12वीं के 10 पेजे। तो देख लीजिए, 3 मार्च से पेपर चालू होने वाले 10वीं के। एक पेज हो गया और ये दूसरा पेज, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। और ये तीसरा पेज हो गया, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। और ये चौथा पेज हो गया, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। और ये पांचवा पेज और ये छठा पेज। तो 23 मार्च तक आपके पेपर है। और ठीक है, तो आपके 23 मार्च तक आपके पेपर है। तो आप अपना पेपर, आप अपने सब्जेक्ट देख के आप लिख लीजिएगा। और एक बात दोस्तों, नोट कीजिएगा। और ये पेपर, ये टाइम टेबल ओनली फॉर इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है। आपके स्कूल में जो आता है एग्जाम से पहले, कुछ 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या ऐसा कुछ आता है एक टाइम टेबल, और स्कूल से ही मिलता है, तो वो परफेक्ट टाइम टेबल होता है। तो अगर वो मेरे पास में आ गया तो वो भी मैं आपको दूंगा। लेकिन इसको आप 100% सच मत मानिएगा। यहाँ पे सच डायरेक्ट डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। इसको आप 100% मत मानिएगा, क्योंकि इसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर चेंजेस नहीं होते हैं। एक आधी अगर सब्जेक्ट कुछ उनका प्लान हुआ तो भी चेंज होता है, और चेंज होकर आपके पास आ भी जाएगा। ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये बात कृपया आप ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे 12वीं का टाइम टेबल। ये 12वीं का टाइम टेबल है, इसमें 10 पेज है। इसमें भी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों भी है। इसमें 10 पेज है। और ये भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन का टाइम टेबल है 2020 का। आप यहाँ पर नाम अगर देख सकते हैं, आप यहाँ पे सब कुछ पे पढ़ सकते हैं। और इसके आप 10 स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक में। एक, दो, तीन, चार, इतना तो टाइम बहुत है स्क्रीनशॉट निकालने के लिए। नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपना पेपर लिख सकते हो। पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 हो गए। 10वीं 12वीं का टाइम टेबल आप पीडीएफ इतमान पीडीएफ डाउनलोड करके इतमान से लिख सकते हो। टेंशन वाली बात नहीं है। तो आई होप ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।